गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम देखो कहाँ पर है, हम अपने खेत पर हैं। दोस्तों देखो सुबह 5 बजे से नौनी करने आए हैं। देखो 5 से 12 तक पूरा गेहूं काट के डाल दिया है दोस्तों, और अब दिखाई देते वाह। वैसे भी दोस्तों बादल छाया रहता है, इस वजह से डर भी लगता है कहीं पानी ना बरस जाए तो सारा का सारा पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से देखो बांस नंबर लगा दिया, बांस अभी बहुत सारा कटने को भी है दोस्तों, उधर भी बहुत कटने को है गेहूँ। तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन धूप कितनी तेज़ी में हो गई दोस्तों। लेकिन हालांकि हल्का हल्का जब कभी बादल भी आ जाता है, और बादल की वजह से हम लोग सभी लगे हैं, इतनी इतनी अंधेरे तक आ जाते हैं नौनी करने के लिए दोस्तों, गेहूँ काटने के लिए, कहीं पानी ना बरस जाए। कल तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था हमारे इधर, आनी पानी आने का चांस था बिल्कुल, लेकिन वो कट गया, निकल गया। वीडियो बनाने के चक्कर में देखो हम कितने पीछे रह गए, हमारी मांग पीछे रह गई, मम्मी यहाँ की निकल गई। देखो हर किसी की नौनी हो रही है, उधर भी गेहूँ कटाई हो रही है, वो देखो पड़ोस में भी लगे हुए हैं, और इधर देखो सुबह से लेकर इतना काट दिया वहाँ से लेकर, चाचा भी लगे साथ में। दोस्तों वहाँ से वहाँ तक यहाँ तक काट के डाल दिया, देखो हमारे यहाँ ऐसी लाइन लाइन बना के दोस्तों काट के डालते हैं। देखो ये एक लाइन अलग रही, ये लाइन अलग रही, ऐसी लाइन लाइन से काट के डालते हैं दोस्तों। और जब शाम होगी ना, शाम के टाइम जैसे भी गट्ठा बांधे हैं, देखो सामने दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों बांधते हैं शाम के टाइम। सुबह के टाइम गेहूँ काटते हैं, शाम के टाइम गट्ठा बांधते हैं। मम्मी के सामने गिरा हुआ गेहूँ आ गया। मम्मी यहाँ पर प्रॉब्लम होती होगी आपको काटने में? गेहूँ जहाँ खड़ा होता है दोस्तों वहाँ तो एकदम अच्छे से आराम मन लगता है काटने में, जहाँ कहीं बीच में ऐसे गिरे गेहूँ आ जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। गिरे हुए गेहूँ में ज़्यादा टाइम भी लगता है और नुकसान भी है उसमें। जी कैसे आए, क्या तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती आज? नहीं, नहीं। छुट्टी होती? देखो दोनों एक ही ड्रेस पहने गए। मम्मी ने खाना बनाया लो, चलो अब चल रहे थोड़ी देर हम, ठीक है भाई इतने काटते हैं वहाँ तक फिर चल रहे हैं। और तुम कहा आए गाँव में, कह लाला देखो कितनी तेजी धूप है, चटक मटक है, नहीं डराती है। यस ट्राई करन जाए रो, जाओ ट्राई कर लेंदे अम्मा। अरे आराम तो करियो ना, कट जाए। अरे नेक नेक कर लेंदे, बहुत शौक है मुंह बनी रहने, नेक कर ले आराम से, दरअसल आराम आराम तो आराम। बस हटो, बस 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 ला अम्मू लिया, बस काट ले ला, दरस काट ले दमाओ। देखो दरस अच्छो है, काट गेहूं गिरी है पापा, ताके मारे टाइम लगा रहो है। हां रे मारे टाइम लगी रहो, हम बहुत देर बाद आए पाए, ताकि मार लो पापा ने तेरे काट के धर दो है। तो ये वाली सेली पूरी काट दी है, और धूप बहुत तेज़ में हो गई दोस्तों, दिन के 10 बज रहे हैं, बहुत चटक धूप हो रही है। अब हम जो लोग जा रहे हैं घर पर, अब ये वाले जो गेहूं कटे रखे हैं दोस्तों, ये शाम 4 या 5 बजे के टाइम आएंगे, 4 बजे के टाइम ये गट्ठा बांध के रेडी कर देंगे। देखो आज वहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी कटाई हुई है सुबह। मैंने मेरी वाली शर्ट पहन ली है, हाथ नहीं नहीं हाथ फटत नहीं ना जा से। श्री हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों पास में, यहाँ पर मकान बनने वाला है, इसी वजह से देखो यहाँ पर बमूरी बंद था, तो बमूरी काट काट के देखो ये जेसीबी से उखड़वा दी, अब यहाँ पर मकान बनेगा, इस वजह से ये देखो। और यस दरअसल ये देखो छांव में खेल रहे हैं,
अम्मा दे दे उधर आती है लला, लग जाए अम्मा दे दे। ये देखो मक्का की तीन तीन फसल है, देखो ये तो इतनी छोटी छोटी है और एक देखो इतनी बड़ी हो गई, और वो देखो उसमें भुंडा आने को हुआ मक्का में। यहाँ पर कोई पता नहीं मक्का की फसल कितनी हो जाती है क्या मम्मी। देखो मम्मी को रास्ते में घास दिख गई, मम्मी घास काटने लगी बकरियाँ लगे। चलो मम्मी गर्मी है। अच्छा भाई छोटे छोटे बच्चन के लिए हम आ गए हैं घर। लेकर खाना पीना बनाया कि नहीं? कंप्लीट, हम तो लेके आए रहे थे खेत से। अब गेहूँ कटवा नहीं रही तुम, कहा सही हो जाए तुम्हारी गेहूँ कटवा रही। शाम का टाइम चलियो ठीक है, जल्दी ब्रश कर लियो, खाना लगाए दो हमने सबके आए ब्रश करन कम। सुलेखा ने खाना लगा दिया है, दो बैगन की सब्जी, खीरा और नमक नहीं डालो क्या सुलेखा? मम्मी पूजा करके आ गई, खाना खाने लगी। अजी दरस देखो जी क्या कर रहे हो, गुस्सा होएगा नीचे पड़ रहे हो हैं। फ्रेंड शाम के 4 बज रहे हैं और अब जाना होगा खेतों पर। मम्मी दो बार आवाज लगा के चली गई है, एक घंटा आराम से सो रही है सगुन में। दोस्तों इन दिनों नींद बहुत जाती है, सबसे ज़्यादा नींद आलस आता है शरीर में, ऐसा लगता है आराम से पड़े रहे। हम कहा मम्मी खेत न पहुँच गई हुई, चल रहे चलो सुलेखा। अरे जूना खड़ी हो जाइयो सिर्फ ठीक, जूना में जो ऐंठ हो तो ऐंठ निकल ना पाए। कहाँ बनाए जूना, बनाए बने रखे टूटे। देखो बेलुआ पक गए हैं, देखो कितने लगे। बेलुआ तोड़ ले, ये हमारे इन्हें जूना बोलते हैं। देखो दोस्तों इसी से गट्ठा बांधो जात, जिन्होंने पानी डलवाओ पर ये सूख गए। अच्छा हो गया बादल है, बादल की वजह से धूप नहीं ज़्यादा तेज दिख रही है। ये दरस यस मम्मी सभी लोग आ गए हैं, आवाओ जल्दी, अब बादल है धूप ऊप नहीं है ठीक। वो दरस काम है यार, उधर में कटिया है, कटिया यहाँ जल्दी करवा दो, सबके खेतन में काम होने लगो। आ लिया जूना लिया डरवाइए, देखा ले फ्रेंड। अम्मा देखो कितनी स्पीड हम कर रहे हैं, ठंड मौसम है। सूट कहाँ है? देखो लगा।
हमारा दरस बाबू बेचारा थोड़ा गुस्सा हो रहा है इस वजह से, हम उसको वो गेहूँ उठाने नहीं दे रहे हैं। किस वजह से? इसकी देखो बाएं खुली हैं, जिसके यहाँ तक पता खुजली हुई है दरस। ठीक, कल पेंट पहने कहियो तब आइयो। आओ आओ, कल पेंट पहने कहे तब मिलला गठा बनवाए हैं है दरस। अरे यार बोल दो, हाँ करो हाँ करो, कर लो पेंट पहने हैं। चलो अब दरस बनवाया, चलो एक एक थोड़ी थोड़ी उठाइयो। आओ आओ चलो आओ। दरस नहीं माने है मम्मी को, बता रहे हो नेक नेक ले जाए, ज्यादा नहीं लगी है। हाँ बाँ खोली है, देखो मम्मी शर्ट पहने आई, देखो ले आई एक बार ले। बस थोड़ी और रह गई, फिर काटे हैं बस। अच्छो मौसम हो वो वैसे आ जाए, बस अच्छो लग रहा सुलेखा, सही बताइयो तबीयत सही हो गई आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है, काम फ्रेंड जा वही तो अच्छा लग रहा है। बताए घर में गुले गुले भाई, दिखाओ देखो दरसो बाबू ले आ रहे हैं। मेरे को बहुत जल्दी प्यास लगे आई है, लल्लू को प्यास लगे, लल्लू को प्यास लगे और का मेरे दर चुनुआ को लगी प्यास। दरस बुचुआ को प्यास लगी आई मम्मी, तू पी ले पानी। जिधर आज तो है आया, हमें काम है घंटा बहुत है, तो डेढ़ घंटा लगवा। देखो मेरे मम्मी पापा ठेका ले गेहूं कटवाने को है, ठीक है किनके गेहूं कटवाने को है। अम्मा मम्मी बॉडी जिम कर रही बता दे, वे तो अपने काम कर रही, जाए जिम दिखाए रहो खेचा खेची है। अच्छा पूरे खेते गफ्फा दोस्तों बांध दिए, पसीने पसीना निकलिए। अभी देखो गेहूँ कटाई करने लगी है, तो ले था मम्मी, चलो हम करवा लें जल्दी है। अरे मम्मी इतने पसीना निकल गो ना यार, पसीनों निकल वो जरूरी है शरीर में। इतने गेहूं काट ले और देखो शाम हो गई। देखो पास में अमरूद बाग है, लेकिन अमरूद अभी लगे नहीं है, तुम देखो देखो दोनों बच्चा हमारे गुलिये में दादी रही। मिले अमरूद मिले, ये कच्ची तोड़ ली देखो अच्छी है दादी, तोड़ दादी तुमने बेकार में बुलाओ नहीं, जो तुम्हारा नुकसान करे हैं और कछु नहीं। यह सफड़ी तो अच्छी लगी, वाह।
अच्छा वाने वाने चाने कैसे हैं? पापा सफड़ी टोरन जा रहे मेरे दरस के ले। ले दरस। ला। ले यस। ले। और कहाँ लगी? तो हम घर पर आ गए हैं गेहूं काट के और इधर हमारे घर पर कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। खास। दरस बताइए कौन है दरस जी बताओ। मामा। मामा है? सुलेखा के भाई, मौसी के लड़का है। तो जब से हम लोग वायरल हुए तब से ये फर्स्ट टाइम आए, बहुत बार इनको इनवाइट किया लेकिन नहीं आए। बताओ बताओ प्रॉब्लम का ये जा बताओ कहीं नहीं आए रहे तो प्रॉब्लम का घर पे ही नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं तो कहाँ आए। एक आज का व्यवस्था है तुम्हारी? व्यवस्था जो कर लो जो कर ले सोका भाई है मस्त। तो नहाकर हम रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और शरीर में खुजली सी हो गई थी गेहूँ काटते काटते, उसकी जो भानी होती है ना दोस्तों वो लग गई थी इसी वजह से। अब सुकून मिला है, नहा लिया है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी, अब ठंडक ही ठंडक हो रही है। दरअसल ऐसा नहीं है भाई, नहाओ जी अपने मामा के साथ में बिजी हैं, जब मामा घर आई हैं तो जी तो पागल हो या जे दोनों।